हे नादरा, ए हाथ नहीं उठाना मेरे ऊपर, समझ आई? मैं तेरे को मुंह नहीं लगाना चाह रहा, हाथ लगाने की बात करती है। आज मेरे को समझ आई है नादरा कि क्यों लड़की की पैदाइश पे लोग मातम किया करते थे। तुम लोग मुझ पे दबाव डाल रहे थे, मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। चुप। मैं अम्मा की खातिर शादी कर भी लेती तो अम्मा की मुश्किलें आसान तो नहीं होती ना। मैंने तेरे को बोला ना नादरा, बकवास नहीं सुननी मैंने तेरी इस वक्त। हाँ, मैं जबरदस्ती शादी कर लूं ताकि सारी जिंदगी खुश ना रहूं और रोती रहूं। हुँ? अबे क्या खुशी खुशी लगा रखी है तूने? कौन खुश है तेरे आसपास? मैं खुश नजर आ रहा हूँ तुझे? अम्मा खुश नजर आ रही है? ये अड़ोस पड़ोस कौन खुश है? पान वाला खुश है, चाय वाला खुश है? ए खुशी सब कुछ नहीं होती नादरा, समझौता करना पड़ता है। तेरी खुशी के चक्कर में तूने मारी इज्जत की ऐसी पैसी फेर दी। बस कर दे सकी, बस कर दे। जब इसने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया, कोई फायदा नहीं। अम्मा, मैंने आपका ही तो सोच के मना किया है। अगर सारी जिंदगी ना खुशी रहना है तो शादी के बगैर ना खुश रहना बेहतर नहीं है? क्या कहना चाह रही है तू? अब सारी जिंदगी तू शादी नहीं करेगी? हाँ, मैंने मोहर लगा दी अपनी किस्मत पे। मेरे लिए तो ऐसे ही रिश्ते आ रहे थे ना, इसलिए मुझे करनी नहीं है शादी, नहीं करनी। बड़ी बेवकूफी कर रही है तू नादरा, बहुत पछताएगी तू, मैं बता रहा हूँ तेरे को। अरे पछताना तो था ही ना। वो कहते हैं ना, शादी के लड्डू तो ऐसे ही होते हैं, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो मैं ना खा के पछताना चाहती हूँ और ये मेरा फाइनल फैसला है, सुन रहे हो ना? कर लो जो करना है। बस करो ना बेटा, मत परेशान हो, भूल जाओ। वो तो बेकार की बातें कर रही थी। कौन बेकार की बातें कर रही थी? बेटा तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले आया था, हसन के साथ रूम में बैठा हुआ था उसके। आप दोनों कहाँ घूमते फिर रहे हैं भाई, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी बेटा, गलती हो गई। तुम्हें बताया था ना, एक्चुअली हमें एक शादी पे जाना था जहाँ शायद हमें जाना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है, जिस लड़की की शादी थी उस लड़की ने ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दिया। What? Really? हाँ बेटा, अचानक से ही ना अजीब सा माहौल हो गया था और फिर उस लड़की ने सबके सामने इतनी बदतमीजी की, इसी की इज्जत का ख्याल नहीं किया उसने, और फिर मजे से कहने लगी कि इनकार करना तो मेरा हक है, सो मैं करूंगी। अब ये भी कोई बात हुई? Very strange. तुम क्या सोच रही हो, कहीं तुम भी निकाह के एन वक्त इनकार करने की प्लानिंग तो नहीं करें? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अजमिया ऐसा क्यों करेगी? बस कर दे खाला, बहुत नखरे हैं भाई इनके, वक्त नहीं होता इनके पास मेरे लिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सलीमा कैसी है बेटा? आई थिंक ठीक ही होंगी।